तो दोस्तों आज ट्वेंटी 20 में 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाला एक दिग्गज कंपनी संबर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी मदरसन सुमी के शेयर के ऊपर जहां पे लास्ट डे फ्राइडे के दिन शेयर क्लोजिंग दिया था अस्सी रुपये बीस पैसे पे करीब 1.97 परसेंट तेजी के साथ ऐसे में लास्ट एक महीने पे शेयर बहुत शानदार रिटर्न दे चुका है अपने शेयर होल्डर को एक महीने पहले इसका प्राइस था सत्तर आज की डेट में बढ़ते बढ़ते यानी फ्राइडे के दिन अस्सी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल उसके ऊपर आके शेयर क्लोजिंग दिया और लास्ट एक महीने पे शेयर करीब करीब चौदह से पंद्रह परसेंट का मैसिव रिटर्न भी कमा के दिया अब देखिए लास्ट एक से महीने पे हमने देखा बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ ऐसे में दोस्तों मदरसन सुमी ने भी अपने शेयर होल्डर के लिए क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि कंपनी क्वार्टर फॉर रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी सेम टू सेम डेट पे अनाउंसमेंट करेगा और कंपनी जब भी डिविडेंड देता है बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर के लिए तो कंपनी डेट फिक्सड किया दोस्तों ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे ट्वेंटी को तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए चैनल की हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना खास करके ट्वेंटी सिक्स में शेयर uh, होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जब भी कंपनी के द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड और क्वार्टर फोर रिजल्ट के ऊपर तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा तो ट्वेंटी सिक्स में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मदरसन सुमी की शेयर होल्डर के लिए साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक ब्रोकरेज कंपनीज ने भी इसको कवर किया यानी मदरसन सुमी की शेयर को जैसे कि आप देख सकते हो तो, ब्रोकरेज कंपनी का नाम है जेम फाइनेंशियल ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है बाई संबर दरा मदरसन इंटरनेशनल टारगेट प्राइस दिया दोस्तों सौ का तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में शेयर प्राइस जहाँ पे है मतलब अस्सी रुपए इससे सौ रुपए मतलब लगभग पच्चीस परसेंट का ये अपसाइड टारगेट दिया तो ये पच्चीस परसेंट का अपसाइड टारगेट कितने महीनों पे या कितने सालों में मदरसन सुमी का शेयर अचीव कर सकता है आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना दोस्तों कमेंट करके अब बात यह है कि लास्ट डे यानी आज तो हो गया बीस तारीख तो उन्नीस तारीख दोस्तों हमने देखा था मदरसन सुमी का जो सब्सिडरी कंपनी कौन सा कंपनी मदरसन सुमी वेयरिंग इंडिया लिमिटेड जो कि लास्ट ईयर डीमर्ज होने के साथ साथ मार्केट को लिस्ट हुआ था इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आउट हुआ और क्वार्टर फॉर डेजल्ट दोस्तों नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा कुछ कुछ सेगमेंट पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया जैसे कि आप देख सकते हो रेवेन्यू के मामले में बात करें तो आप देख सकते हो इस बार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ मेंटेन किया इसका सब्सिडी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी अच्छा ग्रोथ मेंटेन किया नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमाया जैसे कि देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग तीन गुना के ऊपर हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी एक करोड़ से बढ़ के करोड़ पर पहुंच चुका है तो अभी जो मार्केट का जो एक्सपर्ट्स है या मार्केट का जो एनालिस्ट है उनके अकॉर्डिंग इस बार जो संबदना मदरसन यानी हमारी जो मदरसन सुमी ठीक है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है तो जिस वजह से हमने देखा ऑलरेडी शेयर लास्ट एक महीने पर चल भी चुका है अब देखिए कोई भी कंपनी के शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है अंधाधुंध दोस्तों इन्वेस्ट मत करना ना कोई ब्रोकरेज कंपनी या एनालिस्ट द्वारा मतलब कोई कुछ भी पे रेकमेंड कर दिया टारगेट प्राइस दे दिया दे, उसको देख के इन्वेस्ट करना हमेशा कुछ देखिए इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स आपको जरूर समझने की जरूरत है या जरूर जानने की ज़रूरत है कोई भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करने का प्लान किया सबसे पहली बात देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है मतलब डेट कितना है कर्जा दोस्तों आज की डेट पे एक बहुत बड़ा वर्डन है कोई भी कंपनी के लिए ठीक है तो आप देख सकते हो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है यानी टोटल जो नेट ने डेट है कर्जा पाँच हज़ार तीन सौ पैंतालीस करोड़ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास कैश भी दोस्तों एनअफ़ है छः सौ इकतीस करोड़ का तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कंपनी के पास जो रिजर्व है यानी कैश है और उसके साथ साथ डेट का रेशियो दोस्तों बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है तो जिस वजह से कंपनी ठीक ठाक कंपनी आप अपने लगता है कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन है लगभग चौवन हज़ार करोड़ के ऊपर तो इसका मतलब कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है पी रेशो भी काफ़ी ठीक ठाक है बट साथ ही साथ ये बात भी थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए मतलब ये कोई बहुत नेगेटिव फैक्टर नहीं है कंपनी के जो प्रोमोटर है उनके पास ही आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ स्टेक है करीब 64 परसेंट के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग सिक्सटी का स्टेक है प्रोमोटर के पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक उसके अंदर प्लेज दोस्तों कुछ हद तक है कुछ मतलब बहुत ही मिनिमम लगभग वन वन एट परसेंट के आसपास प्लेज शेयर मतलब गिरवी रखा शेयर है इसके पहले की बात करें मार्च ट्वेंटी टू में एक साल पहले गिरवी रखा शेयर था लगभग ग्यारह परसेंट के ऊपर जो कि बीच में हमने देखा बहुत अच्छे से इस जो क्या बोल सकते हो तो टॉपिक के ऊपर कंपनी काम किया और जो प्लेज शेयर है उसका परसेंटेज आज के डेट पे बहुत ही मिनिमम एकदम ना के बराबर हो चुका है तो ये सारी चीज़ जो कि कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले देखना जरूरी है आपको पी रेशियो पी वी रेशियो कंपनी को डेट कितना है कंपनी का ग्रोथ कितना बाकी पैरामीटर वाइज बात करें दोस्तों देखिए ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी इवन कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल भी अच्छा है अगर आप देखोगे कंपनी का ये देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आपको चाहे दस साल की बात करें एक साल की बात करें पाँच साल की बात करें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा बाकी बात कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल तो देखिए हो सकता है लास्ट पाँच साल पर ऐसा कोई बहुत बार यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया अब ये बात भी सही है कि लास्ट ईयर कंपनी के अंदर जो इसका सब्सिडरी कंपनी था वायरिंग इंडिया का जो बिजनेस है मार्केट को डीमार्ट जो है जिस वजह से इसका वैल्यूशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला बट इस सब कुछ के बावजूद भी आप देख सकते हो तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक लाख परसेंट के ऊपर रिटर्न दिया इमेजिन कीजिए एक लाख परसेंट का रिटर्न तो कंपनी दोस्तों रिटर्न के ऊपर अच्छा है बट कभी कभार हमने देखा बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल भी रिएक्ट करता है ठीक है तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए अब चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा टेक्निकल चार्ट चैटपॉइंट को लेकर चलता हूँ वहाँ पर जाकर हम और डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर सामने मैंने ओपन कर लिया मदरसन सुमी की लास्ट छः महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अब ध्यान से देखना दोस्तों बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर इंकरेज करना तो जैसे कि अब आप, आप देख सकते हो कि लास्ट एक महीने पे शेयर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है पंद्रह परसेंट के ऊपर आसपास यहाँ पे रिटर्न दे चुका है उसके साथ साथ शेयर का जो आर इंडेक्स है वो भी बढ़ते बढ़ते सेवेंटी का जो ओवर का जो आप बोल सकते हो स्लॉट है उसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया यानी आज की डेट पर शेयर ओवर जोन पर ट्रेड कर रहा है ऐसे में देखिए कोई भी कंपनी कितने भी अच्छा क्यों ना हो जाए सीधी सी बात हमेशा के लिए ओवर जोन पर ना कि ओवर सोल्ड जोन पर रह सकता है अब देखिए कंपनी का रिजल्ट भी ज़्यादा टाइम नहीं है छब्बीस तारीख को रिलीज़ करेगा कंपनी साथ में डिविडेंड का नोटिस भी आएगा आई थिंक उसके पहले शेयर के अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये जो अस्सी रुपये का लेवल है दोस्तों इस लेवल के आसपास शेयर लास्ट छः महीने पे मल्टीपल टाइम हिट किया मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक करके ऊपर भी पहुंचा था मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक करके नीचे भी पहुंचा जैसे कि आप देख सकते हो तो कुछ महीने पहले यहाँ पे यानी एटी रुपीज़ के आसपास पहुंचा रेजिस्टेंस फेस किया फिर देखिए गिरावट हुआ ये सारे जो पॉइंट्स है मैं आपको समझा रहा हूँ या समझाने की कोशिश करूँ इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना दोस्तों तो आपको अच्छे से टेक्निकल चार्ट पर एनालिसिस करना आ जाएगा कि कौन सा लेवल ब्रेक करने से कहाँ पर इन्वेस्ट करना है आपको ठीक है अब देखो उसके बाद यहाँ पे हमने देखा नीचे सपोर्ट मिला अच्छे से उसके बाद देखिए जब रिकवर किया शेयर देखिए अस्सी के ऊपर पहुँच था अच्छी बात है अस्सी रुपए के ऊपर देखिए काफी अच्छा शेयर स्टेबल भी था अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश भी किया था पर उसके बाद हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स ग्रुप जो है सुमी के अंदर इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा अपना एंटा स्टेक सेल करके निकल गया और उसका परिणाम शेयर के अंदर नेक्स्ट डे क्रैश हुआ गैप डाउन ओपनिंग उसके बाद शेयर गिरते गिरते लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो तो कौन सा लेवल यहाँ पे 65 के नीचे लगभग 63 के आसपास पहुँच गया था उसके बाद देखिए शेयर लास्ट एक देर महीने पे लग यहाँ पे कंटिन्यू रिकवर किया और आज की रेट में ओवर वर्ड जोन पर पहुँच चुका अब क्योंकि इसके पहले हमने देखा था एट्टी रुपीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था इवन इसके पहले भी अगर आप देखोगे लास्ट एक साल का चार्ट पैटर्न तो ये एट्टी रुपीज़ की लेवल या बोल सकते एट्टी से लेके एट्टी सेवेंटी फाइव रुपीज़ के लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में भी काम किया था इस पर्टिकुलर जोन को देखिए इस पर्टिकुलर जोन को देखिए यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ पे भी आप देख सकते तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला तो जिस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों एटी रुपीज़ का लेवल थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभी टाइम लग सकता है क्योंकि शेयर ऑलरेडी ओवर बॉर्ड जोन पर पहुंच चुका है ऐसे में ट्वेंटी सिक्स को कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगा क्वार्टर फोर का रिजल्ट होगा डिविडेंड का नोटिस आउट होगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ रिएक्ट करेगा तो ये तो कुछ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया अभी हम बात करेंगे आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है अब देखिए आज होगा बीस तारीख कल इक्कीस संडे uh, छोड़ के बाईस तारीख को जो कि बाजार ओपन होगा तो ट्वेंटी को कंपनी का रिजल्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपके पास अगर शेयर है तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो अच्छी कंपनी है बड़े कंपनी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है साथ ही साथ अगर आपको पोजीशन बनाना है तो मैं आपको बोलूँगा दो चार दिन वेट कर जाइए छब्बीस तारीख कंपनी का रिजल्ट एक बार आप देख लीजिए चेक कर लीजिए इसी चैनल के ऊपर मैं आपको दे दूंगा अपडेट अगर आपको ठीक ठाक लगे अगर मार्केट का इन जो ब्रोकरेज कंपनीज़ है उसके द्वारा पॉजिटिव अपडेट है नॉट आउट शेयर के अंदर तेज़ी आएगा और शेयर 80 के लेवल ब्रेक करके ऊपर भी पहुंच जाएगा तो अगर कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक हुआ तो उस केस में आप कुछ क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हो तो बाकी देखिए खुद अच्छे से स्टडी करना एनालाइज करना उसके बाद ही इन्वेस्ट करना फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ मिलता नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए टेक केयर बाय जय हिंद